दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पौंटा साहिब। चेतन ठाकुर को अंडर-23 महिला इंडिया ब्लू टीम का चीफ कोच बनाया गया है। इनके कोच बनने से मंडी जिला गदगद है। चेतन ठाकुर मंडी जिला क्रिकेट के हेड कोच भी हैं। यह 1995 से 2003 तक हिमाचल रणजी टीम के मेंबर रहे हैं। वह हिमाचल की 23 टीमों अंडर-14 हिमाचल टीम के कोच, मंडी जिला के अंडर-16, अंडर-17, अंडर-19 टीम कोच और सीनियर टीम के कोच भी रहे हैं। चेतन ठाकुर BCCI के लेवल 2 के कोच हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 कोर्स भी किया है। अभी इन्हें हिमाचल महिला टीम का कोच HPCA ने नियुक्त किया है और हिमाचल की टीम ने लगातार 9 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसके लिए BCCI ने इनकी कोचिंग की खूब तारीफ की। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और जिला क्रिकेट एसोसिएशन मंडी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अभी 12 तारीख को मेरे को इंडिया ब्लू चैलेंजर कप के लिए कोच नियुक्त किया गया है। तो आज तक मेरा सारा जीवन क्रिकेट से जुड़ा रहा है। मैं 1992 से लेकर क्रिकेट के साथ जुड़ा हूँ। 1995 से लेकर 2003 तक मैंने हिमाचल प्रदेश के रणजी टीम में खेला हूँ। उसके बाद मैंने 2004 में अपना क्रिकेट कोचिंग का डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से प्राप्त किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में GNM नर्सिंग, बीफार्मा, डीफार्मा, BDS, MDS के साथ साथ MSc बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग व फार्मकेयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश व पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पौंटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।